close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे. सो फ्रेंड्स, आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे मैं क्यों तैयार हो रही हूँ. तो मैं आप लोग को बता देती हूँ कि सबसे पहले ये बता देती हूँ कि ये वीडियो थोड़ा सा पुराना है. ये वीडियो मेरे बेटे का मुंडन का वीडियो है. सो थोड़ा सा लेट हो गया है, इसके लिए सॉरी. इसीलिए मैं जल्दी जल्दी से सुबह का टाइम हो रखा था अभी, और मैं भी नहा के तैयार हो रही थी और मुझे जाना था पूजा करने. पहले गांव में जो पूजा होती है वही मंदिर जाकर पूजा करना था, और उसके बाद जाना था मंदिर जो कि नामी मंदिर है यहाँ का, मलंग बाबा, वहीं जाना था. वहाँ पे मेरा बेटा का मुंडन होने वाला था. तो इसीलिए मैं भी तैयार होकर जल्दी से जल्दी से पहले गाँव के मंदिर में जा कर पूजा कर लूँगी. उसके बाद वहाँ पे जाना है, सभी लोग जाएंगे. यहाँ पे सभी लोग आए हुए हैं. सो यहाँ पे मेरा बेटा तैयार हो गया है. आप लोग देख सकते हो अभी मेरा बेटा का बाल कितना लंबा लंबा है, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था. सो अभी 1 से 1.5 महीने हो गए हैं, तो मेरा बेटा का बाल भी अभी छोटा छोटा सा, मतलब आ गया है अभी बाल, लेकिन उतना नहीं आया है. सो अभी मैं देख रही थी तो मुझे बहुत हंसी आ रही थी कि कितना सुंदर बाल था इसका, और अभी बाल ही नहीं है. सो यहाँ पे ये मेरी सासू, मतलब मेरी ननद की सासू माँ है. यहाँ पे सभी लोग पैर रंग रहे थे, मैं भी पैर रंग रही थी. और यहाँ पे जो बाजा जो होता है गांव में, जो बजाया जाता है जब हम लोग के यहाँ शुभ कुछ होता है तो बाजा बजता है, तो वही बाजा मतलब आया था बजाने के लिए. तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे गेट पर मेरा बेटा बैठा हुआ है और आशी भी बैठी हुई है. देखो दोनों भाई बहन कैसे बैठा हुआ है और आनंद ले रहा था, बाजा ढोल बज रहा था. तो यहाँ पे अच्छा लग रहा था इस टाइम. और तो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ यहाँ पे जो गांव के मंदिर में, जो मतलब मैंने बताया था कि पूजा करनी है सुबह, तो वहीं पे पूजा करके मैं आ गई थी घर अभी. और कुछ देर में हम लोग निकलेंगे मंदिर के लिए, जो कि मलंग बाबा मंदिर है. हम लोगों के यहाँ नामी मंदिर है, वहाँ पे अगर कोई शुभ काम हो या कुछ भी हो तो वहीं पर हम लोग करते हैं. सो अभी हम लोग वहीं जाएँगे. और यहाँ पे मैंने सिंदूर लगा लिया है. जब मेरे यहाँ कुछ भी पूजा पाठ होता है, कुछ भी होता है शुभ, तो यहाँ पे नाक से सिंदूर लगाया जाता है. सो यहाँ पे मैं लगा ली हूँ सिंदूर पूजा करते समय ही. और कुछ देर में ही हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं. ज़्यादा मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है, बस थोड़ा बहुत ही रिकॉर्ड किया है, क्योंकि काम इतना हो जाता है, इतना व्यस्त हो जाते हैं हम लोग कि रिकॉर्डिंग का याद ही नहीं रहता है. बस छोटी छोटी क्लिप थी, तो मैंने सोचा कि एक एक इकट्ठा करके इसी को ही शेयर कर देती हूँ आप लोगों के साथ, क्योंकि आप लोग देख भी लोगे और एक मेमोरी भी पड़ा रहेगा मेरे लिए, जो कि मैं कभी भी देख सकती हूँ इस वीडियो को. सो इसीलिए. और यहाँ पे पूजा में हम लोग आ गए थे मंदिर में, आप लोग देख सकते हो कितने लोग आए हुए हैं. और यहाँ पे आशी बैठी हुई है. सो यहाँ पे देख सकते हो कितना लोग आए हुए हैं. और पूजा स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे जो मंदिर में जो भगवान जी सब हैं उन मतलब वहाँ जाकर मैं पूजा करूँगी. सो थोड़ा सा मैंने यहाँ रिकॉर्ड करवा लिया था. मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था ये वीडियो, मैंने रिकॉर्ड करवाया था. सो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ पूजा में, और मेरे हस्बैंड जी भी हैं, और यहाँ पे मेरा बेटा है, और यहाँ पे मेरा मतलब मेरे छोटे वाले ससुर जी हैं जो कि वाइट ड्रेस में हैं, और यहाँ पे पंडित जी भी आए हुए हैं, और सभी लोग गांव की जो औरतें हैं सब आई हुई हैं, यहाँ पे बैठी हुई हैं. और बहुत लोग आए हुए थे, नीचे भी थे और ऊपर भी थे सब लोग, और कुछ लोग आगे भी थे. तो यहाँ पे पूजा स्टार्ट हो गया था. सो यहाँ पे देख सकते हो कितना भीड़ लग रहा है, भीड़ लगा हुआ है. और यहाँ पे जो खड़ी है वो मेरी बुआ है, मेरी मतलब मेरे हस्बैंड जी की बुआ है, और ये मेरी ननद है. सभी लोग आए हुए थे, सब कुछ लोग बैठे हुए थे और कुछ लोग इधर उधर खड़े थे. सो
वहाँ पे गेट पर मेरी सासू माँ खड़ी हुई है। सो पूजा स्टार्ट है। इस टाइम मेरा बेटा का बाल दिख रहा है। अभी इस टाइम मुझे रोना आ गया था जब इसका बाल कटने वाला था, मतलब कट रहा था उस समय मुझे रोना आ गया था, आँखों में आंसू आ गया था। इसका बाल कटते हुए देख मुझे अजीब सा फील हो रहा था, लेकिन धीरे धीरे आदत हो गया तो अच्छा है, एक बार हो जाना ही ठीक रहता है ये सब काम। सो मुंडन वाला काम हो गया तो अच्छा लगा था। इससे दो चार दिन पहले मतलब ऐसा मेरा बताया गया था कि बता गया था क्या काम के बारे में। तो इस मंदिर में सिर्फ बाल ही कटेगा और घर पे जाके मतलब बाल का जो मुंडन होगा वो घर पर जा रहे हैं। और यहाँ पे विध वगैरह सब हो रहा है, सभी लोग पैसा मतलब निहुच निहुच कर दिया जाता है, वही अभी सभी लोग कर रहे हैं। गांव के औरत सब है और दीदी सब है, सासू माँ सब है, फुआ वगैरह सब मतलब फुआ भी हैं। और यहाँ पे बाजा भी बज रहा था बहुत, यहाँ पे शोर शराबा हो रहा था इस टाइम। देखो ये मेरे ससुर जी है, छोटे ससुर जी, ये भी दे रहे थे सभी को निहुच निहुच कर। और यहाँ पे निहुचना बोलते हैं, सो इसीलिए मैं बोल रही हूँ। सो देख सकते हो आप लोग इस टाइम मेरा बेटा का बाल कैसे कट रहा है, ये देखो मुझे अजीब सा भी लग रहा है। आप देखना मैं कैसे नीचे अपने मतलब सर को अपने नीचे की हुई हूँ कि मैं देखूँ ना, मुझे अजीब सा फील हो रहा था इस टाइम, अजीब लग रहा था। मतलब जल्दी जल्दी से लोग बाल काट रहे थे तो मुझे अजीब लग रहा था। सो मुझे आँखों में आंसू आ गया था इस टाइम, पता नहीं क्यों, अच्छा ही हो रहा था लेकिन पता नहीं क्यों मुझे आँखों में आंसू बहुत आ गया था इस टाइम, क्योंकि लंबे लंबे बाल देखने में मासूम लगता है बच्चे, इसीलिए शायद पता नहीं क्यों मुझे अजीब सा फील हो रहा था। और यहाँ पे पूजा हो जाती है वहाँ पे, मतलब दो या डेढ़ घंटा लगा था वहाँ पूजा में, और उसके बाद हम लोग घर आ जाते हैं सभी लोग। सो घर पर आने के बाद यहाँ पे बाल मुंडन हो रहा है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। सो यहाँ पे देखो मेरा बेटा कैसे मासूमियत की तरह बैठा हुआ है, देखो कैसे बैठा हुआ है, कैसे मुंडन करवा रहा है। सो इस टाइम जब उसका मुंडन हो गया था तो जब मेरे पास गया तो मतलब अजीब सा रोने लगा, ऐसा गया तो उसको पता नहीं था, मतलब ऐसे ही मुंह बनाया हुआ था। जब उसने शीशा देखा तो चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा कि मेरा बाल क्या हो गया, तो मैंने किसी भी तरह उसको चुप कराया। सो अजीब लग रहा था उसका फेस उस टाइम, इसीलिए उसको भी देखने मतलब अपने आप को नहीं देख पाया मेरा बेटा। सो अब मुंडन हो चुकी थी, खाना भी मतलब बाहर से आए थे बनाने खाना, सो सब लोग खाना भी खाए थे। और मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था ज़्यादा, मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि बस छोटी छोटी क्लिप मैंने सोचा कि शेयर करना चाहिए था। सो यही था आज वीडियो मेरा, आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।